हाय दोस्तों, मैं जीवन ज्योति। आप लोगों को कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मोमेंटम कैसे हो सकता है, उसका एंट्री टारगेट एंड स्टॉप लॉस शेयर करने के साथ पांच स्टॉक इंट्राडे के लिए शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसका साइड पे जो बेल आइकन है, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि मैंने जो भी नया वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास वो वीडियो पहुंच जाएगा सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, पहले निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में जानते हैं, उसके बाद मैंने पांच स्टॉक इंट्राडे ट्रेड के लिए आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, निफ्टी फ्यूचर का क्लोजिंग अराउंड 15,151 लेवल के आसपास आया है। हमको अगर बाइंग का पोजीशन बनाना है, 15,180 रेंज के आसपास हम बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। स्टॉप लॉस हमको 15,120 रेंज के आसपास रखना पड़ेगा एंड हमारी टारगेट 15,300 लेवल के आसपास रहेगा। चलिए अभी बैंक निफ्टी के बारे में जानते हैं। बैंक निफ्टी फ्यूचर का जो क्लोजिंग आया है 34,086 रेंज के आसपास। तो बेसिकली जो बैंक निफ्टी फ्यूचर ये लेवल से ऊपर की तरफ आएगा 34,200 रेंज के आसपास आप आपकी बाइंग का पोजीशन बना सकते हो। 33,900 लेवल के आसपास आपकी स्टॉप लॉस रहेगा एंड आपकी टारगेट 34,800 रेंज के आसपास रहेगा। तो चलिए अभी पांच स्टॉक के बारे में जानते हैं। ये पांचों स्टॉक को आप नोट डाउन करके रखिए। दोस्तों, मैंने जितना भी रिस्क बता रहा हूँ, अगर आप आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से अगर आप उतना रिस्क लेके काम कर पाओगे तो अभी दोस्तों आप इस पे एंट्री कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट मेरे साथ इंट्राडे पे लाइव मार्केट पे काम करना चाह रहे हो तो ऑलरेडी मैंने मेरी व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे शेयर किया है। व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, ये जो पांच स्टॉक है, पहला स्टॉक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक स्टॉक के ऊपर हमको शॉर्ट सेलिंग का पोजिशन बनाना है। ये सारे मैंने जो लेवल आपको शेयर करूंगा ये स्पॉट के ऊपर। तो दोस्तों, एक्सिस बैंक का जो स्पॉट का क्लोजिंग हुआ है अराउंड 711.65 लेवल के आसपास, हमको 708 के आसपास सेलिंग का पोजीशन बनाना है। 718 पे हमारी स्टॉप लॉस रहेगा एंड 688 पे हमारी टारगेट रहेगा। सेकेंड स्टॉक है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो स्टॉक के ऊपर हमको बाइंग का पोजीशन बनाना है। देखिए, इसका क्लोजिंग अराउंड 4067 लेवल के आसपास हुआ है। 4080 के आसपास हम हमारी बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। 4040 पे स्टॉप लॉस एंड 4160 का हमारी टारगेट रहेगा। थर्ड स्टॉक के हिसाब से मैंने बजाज फाइनेंस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। बजाज फाइनेंस स्टॉक के ऊपर हमको बाइंग का पोजीशन बनाना है। 5688 के आसपास इसका क्लोजिंग आया है तो 5700 के आसपास हम बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। 5640 पे हमारी स्टॉप लॉस रहेगा एंड 5820 का हमारी टारगेट रहेगा। और देखिए, फोर स्टॉक के हिसाब से मैंने भारतीय एयरटेल स्टॉक को सिलेक्ट किया है। दोस्तों, भारतीय एयरटेल स्टॉक पे हमको शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बनाना है। 536.35 लेवल के आसपास इसकी क्लोजिंग आया है। 534 के आसपास हम सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। 540 पे स्टॉप लॉस एंड 522 का हमारी टारगेट रहेगा। उसके बाद आ रहा है बीपीसीएल। बीपीसीएल के ऊपर हमको बाइंग का पोजीशन बनाना है। इसका क्लोजिंग अराउंड 448 रेंज के आसपास आया है। बेसिकली 452 के आसपास हम इस पे बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। 448 का हमारी स्टॉप लॉस रहेगा एंड 460 का हमारी टारगेट रहेगा। दोस्तों, ये मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ पांच स्टॉक के बारे में उसका लेवल आपके साथ शेयर किया। अगर आप आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से अगर आप उतना रिस्क लेके काम कर पाओगे तो अभी दोस्तों आप इस पे एंट्री कर सकते हो, नहीं तो आपको इस पे एंट्री नहीं करना है।